हमारा क्या है जी, हमारा हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था जो हमारी टी बीम्स हैं क्या होती हैं और उनकी जो डायमेंशंस हैं वो क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डायमेंशन की बात कर रहे थे, इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज। तो इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज जो टी बीम्स के लिए थी वो हमने डिस्कस की, तो क्या रहती है। अगर हम नेक्स्ट बात करें जो हमारा आइसोलेटेड टी बीम रहता है, तो आइसोलेटेड बीम जो रहते हैं उनके लिए हमारी जो विड्थ ऑफ फ्लैंज है वो क्या रहेगी, किस पे डिपेंड करेगी। तो ये बात हमारे यहाँ पे ध्यान रखनी है, फॉर आइसोलेटेड टी बीम, फॉर आइसोलेटेड टी बीम्स हो तो उसके लिए हमारी जो विड्थ ऑफ फ्लैंज है वो क्या रहेगी। तो अगर हम बात करें इसमें से जो हमारी दो हमारे पास टर्म्स हैं इनमें से जो मिनिमम वैल्यू रहेगी वो हमारी विड्थ ऑफ फ्लैंज रहेगी, किसके लिए, आइसोलेटेड टी बीम के लिए। तो पहली अगर टर्म की बात करें तो वो क्या है हमारे पास, एल नॉट डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एल नॉट क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ जीरो मोमेंट इन द बीम। ये बात ध्यान रखना यहाँ पे, तो एल नॉट क्या है यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे एल नॉट बाय बी प्लस फोर प्लस विड्थ, जो हमारी वेब की विड्थ है वो कितनी है, और दूसरा क्या है रिलेशन फॉर आइसोलेटेड बीम, क्या रहेगा, विड्थ ऑफ फ्लैंज इक्वल टू बी, इसमें से जो कम वैल्यू होगी विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, तो जो कम वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, आइसोलेटेड टी बीम के लिए विड्थ ऑफ फ्लैंज की वैल्यू होगी। ठीक है जी, जो आइसोलेटेड बीम के लिए हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ओनली टी बीम के लिए, जब आइसोलेटेड टी बीम की बात करते हैं तो हमारे पास जो ये रिलेशन है ये हमने ध्यान रखना है यहाँ पे, ओके। तो एल नॉट क्या, डिस्टेंस बिटवीन, ये बात ध्यान रखनी है यहाँ पे हमने, एल नॉट क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ जीरो मोमेंट, पॉइंट्स ऑफ जीरो मोमेंट, जीरो मोमेंट इन द बीम, इन द बीम। ठीक है जी, तो ये बात ध्यान रखनी है, ओके। हमारे पास बी डब्ल्यू क्या है, विड्थ ऑफ द वेब, विड्थ ऑफ द वेब। ठीक है जी, तो विड्थ ऑफ द वेब हमारे पास रहेगा बी डब्ल्यू, ओके। और हमारे पास एल नॉट हमें पता चल गया, बी क्या है, बी क्या है हमारे पास, एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लैंज, एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लैंज, तो एक्चुअल विड्थ क्या रहेगी हमारे पास, बी, ओके। तो ये हमारे पास जो है नॉन्स वैल्यू है आइसोलेटेड बीम्स के लिए, तो ये रिलेशन है जिसमें से अगर वैल्यू कम आती है तो हमारे पास वो विड्थ तो जो फ्लैंज रहेगी हमारे पास हम उनको, तो अगर हम बात करें आइसोलेटेड एल बीम की, अगर आइसोलेटेड एल बीम के लिए क्या रिलेशन है, तो हमारी क्या वैल्यूज रहेंगी बीम के केस में, विड्थ ऑफ बीम मतलब फ्लैंज जो हमारी है, विड्थ ऑफ फ्लैंज है वो कितनी रहेगी। ठीक है जी, वो भी बात कर लेते हैं, आइसोलेटेड एल बीम अगर हम इफेक्टिव विड्थ के केस नंबर सी में जाएं तो क्या रहेगा, आइसोलेटेड एल बीम, तो एल बीम के लिए जो हमारे जो वैल्यूज रहेंगी वो क्या है, विड्थ ऑफ फ्लैंज इक्वल टू 0.5 एल नॉट, जो हमारा एल नॉट की वैल्यू है हमें पता है, डिस्टेंस ऑफ द जीरो मोमेंट इन द बीम, एल नॉट, ओके, एल नॉट बाय बी प्लस 4 प्लस विड्थ ऑफ द वेब, और दूसरा रिलेशन क्या रहेगा फॉर आइसोलेटेड एल बीम के लिए, विड्थ ऑफ फ्लैंज इक्वल टू क्या रहेगी, एक्चुअल विड्थ ऑफ द फ्लैंज। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो किसमें से जो कम वैल्यू होगी, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, दैट्स द वैल्यू ऑफ द विड्थ ऑफ द फ्लैंज इन द केस ऑफ आइसोलेटेड एल बीम्स। ठीक है जी, तो ये बात हमने यहाँ पे ध्यान रखनी है, ओके। तो ये हमारा क्या है, आइसोलेटेड टी बीम्स के केस के लिए ये वैल्यूज हैं। अगर हम बात करें थिकनेस ऑफ द फ्लैंज, यानी कि ये हमारी जो थिकनेस है
डेप्थ ऑफ लेंथ, तो थिकनेस ऑफ द फ्लेंज की ओर बढ़ते हैं। तो थिकनेस ऑफ फ्लेंज क्या होता है और इसकी जो वैल्यूज है अकॉर्डिंग टू दायर सपोर्ट हम कैसे कैलकुलेट कर पाते हैं वो भी देख लेते हैं। तो सेकंड डाइमेंशंस के बारे में हम जान लेते हैं थिकनेस ऑफ द फ्लेंज। सेकंड डाइमेंशंस है हमारी थिकनेस ऑफ द फ्लेंज। ठीक है, थिकनेस ऑफ फ्लेंज क्या है इसको हम डिनोट करते हैं डीएफ से। ठीक है जी, तो थिकनेस ऑफ फ्लेंज क्या होता है, द थिकनेस ऑफ द फ्लेंज इज टेकन इक्वल टू द टोटल थिकनेस ऑफ द स्लैब। जितनी थिकनेस ऑफ द स्लैब है उसके इक्वल हमारी क्या रहती है थिकनेस ऑफ द फ्लेंज रहती है, टोटल थिकनेस ऑफ द फ्लेंज। ठीक है जी, तो ये बात हमने यहां पे ध्यान रखनी है, द थिकनेस ऑफ द फ्लेंज इज टेकन, द थिकनेस ऑफ द फ्लेंज is taken equal to the total thickness of the slab, total thickness of the slab, total thickness of the slab including cover, including cover, तो cover including है thickness of the slab, तो वो क्या होगी हमारी उतनी ही depth of flange होगी। ठीक है जी, तो ये बात यहाँ पे हमने ध्यान रखनी। The width should be sufficient to accommodate the tensile reinforcement with proper जो हम spacing provide करते हैं bars के बीच में, तो वो भी हमारे पास thickness of स्लैब हमारी क्या है इज इक्वल टू द टोटल थिकनेस ऑफ द स्लैब इंक्लूडिंग कवर। ठीक है, ये बात हमने यहाँ पे ध्यान रख ली है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारे पास अगर हम बात करें विड्थ ऑफ द वेब, वेब की विड्थ कितनी है, ब्रेथ ऑफ द वेब क्या है। ठीक है जी, तो वेब जो हमारी है वो कितनी हम लेके चलते हैं जब हम डिजाइन कर रहे हैं, जब कैलकुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारी है पोर्शन ऑफ द बीम इन द टेंसाइल जोन। तो टेंसाइल जोन में जितनी विड्थ बीम की है उतनी ही हमारी विड्थ क्या है वेब की रहेगी। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या है ध्यान रखना, ये क्या बात रहेगी, द विड्थ ऑफ द रिम, द विड्थ ऑफ द रिम, वेब को हम क्या बोलते हैं रिब भी बोलते हैं, रिब इज इक्वल टू द width of the portion of the beam, width of the portion of the beam, portion of the beam in the tensile zone, in the tensile zone। ठीक है जी, तो टेंसाइल जोन में जो हमारी विड्थ ऑफ द पोर्शन, जो बीम का पोर्शन है वो जितनी विड्थ रहेगी उसकी हमारी क्या है वेब की जो विड्थ है वो रहेगी। ओके, तो जो हमारा विड्थ ऑफ बीम है क्योंकि लैटरल स्टेबिलिटी को सुटेबिलिटी के लिए हमारे पास क्या है जो विड्थ ऑफ बीम है वो क्या होनी चाहिए एटलीस्ट इक्वल टू द 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द रिब होनी चाहिए। ठीक है जी, तो क्या होनी चाहिए हमारे पास width of the beam, width of the web, sorry, width of the rib जो है, web है, width of web should be at least equal to the, should be at least equal to the 1/3, equal to the 1/3 of the height of
विड्थ ऑफ रिब होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये बात हमने आगे क्या है ध्यान रखनी है जब हम डिजाइन कर रहे हैं विड्थ ऑफ रिब के लिए। ओके, तो अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा ओवरऑल ऑल डेप्थ ऑफ द बीम रहेगी वो कैसे हम करवाएंगे। ओवरऑल जो ऑल जो डेप्थ है जो अफेक्टिव डेप्थ है वो कैसे हमारी कितनी होती है वो भी हमारी टी बीम्स में देख लेते हैं। तो डायमेंशंस में हमारी डिटेल डायमेंशंस हैं ये हम बात ध्यान रखनी है। हमारी जो थिकनेस ऑफ वेब रहेगी थिकनेस ऑफ लेंस रहेगी या विड्थ ऑफ वेब रहेगी वो कितनी रहेगी वो भी हमने यहाँ पे देखा। तो अब बात करते हैं जो हमारी डेप्थ है ओवरऑल डेप्थ है। ठीक है जी, तो ओवरऑल डेप्थ जो रहेगी वो कितनी रहेगी वो भी देख लेते हैं। ओवरऑल ऑल डेप्थ ऑफ द बीम ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। ओके, तो ओवरऑल डेप्थ जो है बीम की वो हमारी कितनी रहेगी देखिए द ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम डिपेंड अपॉन द स्पैन एज वेल एज लोडिंग कंडीशंस। तो लोडिंग कंडीशंस पे और स्पैन पे हमारी जो ओवरऑल डेप्थ है वो डिपेंड करती है। ठीक है जी, तो अगर हम बात करें केस की इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम अगर सिंपली सपोर्टेड बीम का केस है इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम्स तो सिंपली सपोर्टेड बीम्स के केस में क्या होगा इट इज अज्यूम्ड टू वन बाय 12 टाइम्स वन बाय 12 इज टू वन बाय 15 ऑफ द स्पैन तो ये बात ध्यान रखना 1/12 to 1/15 ऑफ स्पैन जो हमारी क्या रहेगी सिंपली सपोर्टेड के केस में हमारी ओवरऑल डेप्थ रहेगी बीम की टी बीम के केस में अगर हम बात कर रहे हैं। तो अगर दूसरे केस की बात करें अगर सेकंड केस की ओर बढ़े हम क्या है इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस बीम तो कॉन्टिन्यूस बीम के लिए क्या होगा इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस बीम तो कॉन्टिन्यूस बीम के लिए अगर हम बात करते हैं इसमें तो कितनी रहेगी इट इज अज्यूम्ड टू तो हमारे पास अगर लोड है क्या कितना लोड है वो भी हमारा डिपेंड करेगा कॉन्टिन्यूस बीम में। तो कॉन्टिन्यूस बीम में अगर आगे केस की बात करें तो केस नंबर वन की बात करें अगर मतलब लाइट लोड है कॉन्टिन्यूस बीम पे तो क्या होगा 1/15 to 1/20 किसके लिए है ऑफ स्पैन किसके लिए अगर लाइट लोड है अगर लाइट लोडिंग है तो वो डिपेंड्स करेगी। ठीक है जी 15 for light load अगर मीडियम लोड्स लग रहे हैं तो हम अगर बी केस की बात करें तो हम कॉन्टिन्यूस बीम के केस में हमारे पास अगर मीडियम लोड है तो क्या रहेगा 1/12 to 1/15 ऑफ स्पैन फॉर मीडियम लोड्स मीडियम लोड्स के लिए कितना है 1/12 to 1/15 ऑफ स्पैन। और हम बात करते हैं सी केस की तो ये अगर हमारे पास कॉन्टिन्यूस बीम में हैवी लोड लग रहा है तो हैवी लोड के केस में क्या होगा 1/10 to 1/12 ऑफ स्पैन ये किसके लिए रहेगा फॉर हैवी लोड्स। ठीक है जी तो हैवी लोड्स के लिए ये हम बात ध्यान रखनी है यहाँ पे। ओके, तो कॉन्टिन्यूस बीम है हमारे पास तो ये हमारे पास कंडीशंस रहेंगी अगर हमारे पास क्योंकि हमारा जो ओवरऑल डेप्थ है ओवरऑल डेप्थ जो है मेनली डिपेंड कर रही है स्पैन पे और जो लोडिंग कंडीशंस पे तो लोडिंग कंडीशंस अगर सिंपली सपोर्टेड की बात करें तो हमारे पास
हम 1/12 टू 1/15 ऑफ स्पैन हमारी ओवरऑल डेप्थ रहती है। अगर कॉन्टिन्यूस बीम की डिपेंड करें तो हमारी कंडीशंस हैं, क्योंकि लोडिंग कंडीशंस हैं, हैवी लोड लग रहा है या मीडियम लोड लग रहा है या लाइट लोड लग रहे हैं, तो अलग अलग हमारे पास क्या रहेगी, इनकी ओवरऑल डेप्थ रहेगी। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या है, बीम इन्वर्टेड टी, हमारा टी बीम है। तो टी बीम जो है हमारे, उसकी डिमेंशन क्या होती है हमने देखा। तो उसके बाद हम बात करते हैं इन्वर्टेड टी बीम की। तो इन्वर्टेड टी बीम क्या होता है, ओके, तो ये बात हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो इन्वर्टेड टी बीम के बारे में अगर देखें हमारे क्या होता है इन्वर्टेड टी बीम, ओके, तो इन्वर्टेड टी बीम्स की बात करें, जब हमारा बीम है जो क्या हो, इन्वर्टेड हो, ठीक है जी, तो ये बात यहां पे जान लेते हैं इन्वर्टेड टी बीम के बारे में। समटाइम्स आपकी आर्किटेक्चर कंडीशंस, क्योंकि हम जो पोजीशन है जो टी बीम की, वो हम इन्वर्टेड प्रोवाइड कर देते हैं, तो उस टाइम हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड टी बीम। ओके, तो ये हम जान लेते हैं क्या होता है इन्वर्टेड टी बीम। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा, ये हमारी क्या है, जो डाइमेंशंस हैं, जैसे हमने विड्थ ऑफ लेंस की बात की, तो इफेक्टिव विड्थ ऑफ लेंस जो है मेनली डिपेंड कर रही है स्पैन पे, जो स्लैब की थिकनेस है उस पे, ठीक है जी, और जो विड्थ ऑफ वेब है, ठीक है जी, इन सारी चीजों पे क्या करती है, डिपेंड्स करती है हमारी डाइमेंशंस। और अब हम बात करें इन्वर्टेड टी बीम की, तो इन्वर्टेड टी बीम जो है हमारा वो क्या होता है, इन्वर्टेड टी बीम को हम अगर आर्किटेक्चरल व्यू से देखें, तो आर्किटेक्चरल व्यू के अकॉर्डिंग अगर देखें, तो हम क्या करते हैं, जो एक जो टी बीम है उसको इन्वर्टेड प्रोवाइड करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड टी बीम, ठीक है जी, उसको क्या नाम देते हैं हम, इन्वर्टेड टी बीम। बात करते हैं हम इसकी इन्वर्टेड टी बीम, तो इन्वर्टेड टी बीम्स क्या होता है ये जान लेते हैं हम। आर्किटेक्चरल कंसीडरेशन, ठीक है जी, तो कंसीडरेशन क्या है, आर्किटेक्चरल कंसीडरेशन के अकॉर्डिंग जब हम टी बीम को क्या कहते हैं, प्रोवाइड करते हैं इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड ही जब हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं, तो उस सेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड टी बीम। तो कैसे होता है इन्वर्टेड टी बीम, ये हम जान लेते हैं यहाँ पे, ओके। तो ये हमारे बीम है, अगर हम यहाँ पे क्या करें, जो हमारे फ्लेंज है वो क्या है, यहाँ पे प्रोवाइड की है हमने इन्वर्टेड, और जो हमारी वेब है वो हमने प्रोवाइड की है जो देखिए यहाँ ये हमारा डायग्राम जो हम शो कर रहे हैं, यहाँ पे भाई जो फ्लेंज है वो हमने इन्वर्टेड प्रोवाइड की है, जो टी बीम है हमारा, इस तरह की बीम को हम क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड टी बीम, इन्वर्टेड टी बीम्स, ओके। तो इन्वर्टेड टी बीम्स में अगर ये बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो हम स्टील प्रोवाइड करते हैं, ये हमारा कवर रहेगा, इस तरह से हम स्टील प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, ये हमारा टेंशन जोन स्टील है जो हम प्रोवाइड करेंगे टेंशन जोन में, ये हम क्या कर रहे हैं, जो स्टील प्रोवाइड करें कंप्रेशन जोन में, ठीक है जी, सॉरी। तो ये एंकर बार्स ही प्रोवाइड किए हैं हमने यहाँ पे, ये हमारी क्या है, एंकर बार्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये हमारी क्या है, टेंशन बार, जो हमारी जो एएसटी है, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन, ठीक है जी, तो एएसटी ऐसे प्रोवाइड, ये हमारे टी बीम इन्वर्टेड हमने प्रोवाइड कर दिया है टी बीम को, ठीक है जी। तो उस तरह के बीम्स को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड टी बीम्स। तो ये हमारा वेब ऑफ टी बीम है, हमें पता है क्या है, वेब ऑफ टी बीम, और ये हमारी फ्लेंज कहाँ पे आ गई है, नीचे, ठीक
है जी। तो ये हमारी फ्लैंज और स्लैब इसको हम नाम देते हैं, क्या है फ्लैंज बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे स्लैब, ठीक है जी। तो इसकी भी क्या थिकनेस रहेगी, जो हमारी ये वेब है तो इनकी भी थिकनेस रहती है हमारी, ये हमारी क्या होगी थिकनेस ऑफ द फ्लैंज, थिकनेस ऑफ फ्लैंज, ओके। तो शियर स्ट्रिप्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, ये हमारी क्या है शियर स्ट्रिप्स, शियर स्ट्रिप्स स्ट्रिप्स भी प्रोवाइड करते हैं, ओके। तो ये बात हमने यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो ये हमारा क्या होता है टी बीम होता है, जब हम किसी भी आर्किटेक्चरल व्यू अगर हम देना चाहते हैं बीम को, तो आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम क्या करते हैं टी बीम को इन्वर्टेड प्रोवाइड करते हैं, तो उस तरह के सेक्शन को हम क्या बोलते हैं इन्वर्टेड टी सेक्शन या इन्वर्टेड टी बीम्स, ठीक है जी। तो ये बात हम यहाँ पे ध्यान रखनी है, ओके। तो ये हमारा क्या है टी बीम, क्रॉस सेक्शन ऑफ इन्वर्टेड टी बीम, ओके। ये क्या है हमारा क्रॉस सेक्शन है किसके लिए इन्वर्टेड टी, क्रॉस सेक्शन ऑफ इन्वर्टेड टी बीम्स, ठीक है जी, ओके। यहां जान लेते हैं हमारा वेन स्लैब अलोंग विद बीम्स आर कास्ट मोनोलिथिकली एंड द बीम इज हैंगिंग बिलो द स्लैब इट इज कैटेगराइज्ड एज टी बीम, बट ड्यू टू द आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हमने टी बीम जो प्रोवाइड किया है वो, क्योंकि जो हमारा बीम है और स्लैब है हम क्या करते हैं कास्ट करते हैं मोनोलिथिकली सेम टाइम पे कास्ट करते हैं, तो वो एक जो ऑटोमेटिकली एक फॉर्म बन जाती है टी टी फॉर्म में जो शेप बनती है, तो उसको हम टी बीम नाम देते हैं। बट आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम वांट करते हैं जो स्पेस है बिटवीन फ्लोर एंड सीलिंग, यानी कि जो हमारा हेडरूम है, ठीक है जी, तो फ्लोर एंड सीलिंग के बीच में जो स्पेस प्रोवाइड करना चाहते हो, तो हमारी जो डेप्थ है बीम की वो रिस्ट्रिक्टेड रहती है, ठीक है जी। तब हमारे पास हम प्रोवाइड करते हैं इस तरह के बीम को, जिसको हम नाम देते हैं इन्वर्टेड टी बीम, ठीक है जी। तो ये क्या रहता है हमारा इन्वर्टेड टी बीम, ड्यू टू आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम इसके बात करें ड्यू टू आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, ड्यू टू आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू एंड वांट ऑफ क्लियर स्पेस बिटवीन floor and ceiling, ठीक है जी, floor and ceiling, the depth of the beam is restricted, ठीक है जी, then the beam provided above the slab, the beam provided above the slab, above the slab, in such type of beam, then it is called inverted T beams. Inverted T beams, ठीक है जी। तो inverted T beams का पता चला हम क्यों provide करते हैं, ठीक है जी। तो दो कारण है inverted T
टीपीयू को प्रोवाइड करने के लिए जो हमारा एक तो आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम आर्किटेक्चरल कंसीडरेशंस को लेके जाना है, आर्किटेक्चरल कंसीडरेशंस नहीं और दूसरा क्या है, हमें स्पेस चाहिए क्योंकि वांट ऑफ क्लियर स्पेस बिटवीन फ्लोर एंड सीलिंग यानी कि हेड रूम्स में हमें क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस तरह के बीम्स को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी होगी। ओके, तो ये हमारा क्या है, इनवर्टेड टी बीम ड्यू टू हम आर्किटेक्चरल कंसीडरेशन एंड वांट टू क्लियर स्पेस बिटवीन फ्लोर एंड सीलिंग, देन वी प्रोवाइड सच टाइप ऑफ सेक्शंस एंड टी बीम्स इज प्रोवाइडेड इन इनवर्टेड शेप देन इट इज कॉल्ड एज इनवर्टेड बीम टी बीम्स। ठीक है जी, तो ये बात हमने ध्यान रखनी है, इनवर्टेड टी बीम्स क्या होते हैं। ओके